शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। कौन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला अपराधी घटना को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है। लोग इसकी गिनती यूपी के सबसे खतरनाक जिलों में करते हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही एक अपराधी के बारे में जो पुलिस को चैलेंज कर भागता है। कौन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। और इसलिए मैं भागा था यहाँ से कस्टडी में से। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। अगर भैया मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना, तो मैं उसे निपटा। पुलिस के साथ हंसी मजाक करता नजर आ रहा है सब कोई समाज सेवी नहीं बल्कि एक साथी अपराधी है जो खुद को फिल्म खलनायक का संजय दत्त बताता है और चैलेंज कर गोली मारता है। नदीम उर्फ सांडा के नाम से मशहूर अपराधी बेबाक अंदाज में अपने अपराधी किस्से को बयां भी करता है। शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। शौक है मुझे इस चीज का। खलनायक जी तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अपराधी सांडा की माने तो उसे बचपन से ही मर्डर करने का शौक था। सांडा पर 16 केस चल रहे हैं। सांडा को खलनायक बनने का चस्का फिल्म खलनायक देखने के बाद लगा। अब उसका सपना पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम पैदा करना है। फिलहाल इसके इरादों को देख कर पुलिस बहुत चकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।